जी गौतम सर, हमारे साथ है कुमार सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हेलो, यू आर हियरिंग? यस सर, आई एम लिसनिंग टू यू प्रॉपरली। हाँ हाँ हेलो रजनी जी, वीडियो ऑफ कर दीजिए। हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ मुझे आवाज तो आ रही है। व्हाट्स योर गुड नेम? मैं थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा मुझे आपको। हेलो, सर मैं कमल मेघवाल। हाँ, जी अजय, एक मिनट सर मेरी आवाज आ रही है? सर आपका। आई एम नॉट वॉचिंग एक्चुअली, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। हेलो मैं फिफ्थ फ्लोर पे हूँ, नेटवर्क कमल इशू हो जी, सकता है। मोबाइल को रोटेट करिए, यस तो सर, दीजिए मोबाइल को। कमल जी मोबाइल घुमा दो, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। मोबाइल को आड़ा कर दो। जी सर, आप नजर आ रहे हैं कमल जी? नहीं नहीं आ रहे हैं सर, सर इधर तो नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं आ रहे हैं सर, लेकिन इधर। हाँ नहीं, ऐसे पहले जैसा करो कमल जी। हाँ नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जी आप पूछो सर, अभी आ जाएगी स्क्रीन। हाँ कमल जी, जी आपकी सर, बहुत बढ़िया, आपकी बहुत बढ़िया बात देखी मैंने। आपको एंकरिंग आती है? जी सर, हाँ, I'm watching. एंकरिंग आपने अपनी हॉबी लिखी है, आपने जी सर, जो है ना एंकरिंग के बारे में क्या सोचा? आप जो है ना आईएएस में या आरएस आरएस के लिए क्यों कोशिश कर रहे हो? आप एंकरिंग में क्यों नहीं जाना चाहते उधर? सर ये मेरी एक हॉबी है, जो कि जब मैं स्पोकन क्लासेस ले रहा था इंग्लिश की, तो तब मुझे अच्छा लगता था कि मैं इसको कर सकता हूँ। बट सर मेरे 12th के बाद सिविल सर्विस में जाना मेरा मेन मोटिव था, तो सर इसलिए मैं सिविल सर्विस में आना चाहता हूँ। लेकिन ठीक है, एक मिनट के लिए, अभी इन दिनों में जो है ना सिविल सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का कोई कितना सारी जो है ना वो हो रही है। आपकी एंकरिंग जो है ना उससे ज्यादा बेटर जॉब है वो, और बहुत ज्यादा उसकी प्रेस्टीज भी है, उसकी इम्पोर्टेंस भी है। आप वही आर यू जो है ना इस पे ज्यादा, इस गवर्नमेंट की जॉब में इतना सारा जो है ना हड़कंप है, कितना प्रेशर है, कितने ट्रांसफर्स है, कितना जो है ना डिस्टर्बेंस है। आप वाई आर यू इंटरेस्टेड इन जो है ना आईएएस एंड आरएस? सर क्योंकि मेरा जो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड वो सर सिविल सर्विस में ज्यादा, मतलब वहाँ पे मैं अपना यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा, और जो सिविल सर्विस है जो सोशल प्रेस्टीज है वो सर कहीं ना कहीं मुझे आकर्षित करती है। और सर इसमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और सर एक मल्टी डायमेंड डायनेमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुझे चैलेंजेस मिलेंगे, तो मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करते लोगों के कल्याण में, उनके विकास में अपनी भूमिका निभा पाऊंगा। तो इन इसलिए सर इन मैं दिनों में गुड गुड गुड, चलिए। इन दिनों में आपने सवाई भाट का नाम सुना है क्या? सॉरी सर, सवाई भाट, सॉरी सर मैंने नहीं सुना। ये इंडियन आइडल में आपके उधर का ही एक लड़का है, सॉरी सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी हाँ नहीं है। इंडियन आइडल जो प्रोग्राम आता है ना सिंगिंग का, जी यू आपने सुना है क्यों इंडियन आइडल के बारे में कभी? सर सुना है, लेकिन मैं देखता ज्यादा नहीं हूँ। अच्छा देखा नहीं है। ये इंडियन आइडल का जो है ना ये लड़का सवाई भाट जो है ना, अभी वहां के उस कैंडिडेट्स में, एट एट कैंडिडेट्स में से वो भी इंपॉर्टेंट लड़का है मतलब। और वो जी सर, कठपुतली का खेल करता था वहां पर, बीकानेर और इसके एरिया में, जैसलमेर के इसके एरिया में। जी सर, और इंडियन आइडल में उसकी बहुत ज्यादा जो है ना रेपुटेशन है, अभी बहुत अच्छी उसकी प्रेस्टीज है। अच्छा एक बात बताइए, थैंक यू सर। सुनो मैं एक्चुअली क्या है आपका, मुझे अच्छा लगा था कि एंकरिंग इज ए वेरी गुड जॉब, तो इसी पॉइंट में से मैंने एक क्वेश्चन बनाया आपके बारे में कि आप जैसलमेर के जो ना जैन टेम्पल के बारे में एक एंकरिंग करके बताइए आप। जी सर, दिस इज माई प्लेजर एंड अ प्रिविलेज टू हैव अ डिस्कोर्स विद पीपल, एंड आई वुड लाइक टू से वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड वी नो दैट दिस डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट दैट इज कॉल्ड द जैसलमेर इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स, दैट्स फेमस फॉर जैन टेम्पल्स दैट वी कैन, लक्ष्मी नारायण, एंड देर आर लॉट्स ऑफ टेम्पल्स विच कैन मेस्मेराइज एंड रिवेज लॉट्स ऑफ पीपल, एंड इट्स कैन बूस्ट द रेवेन्यू ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। And we know that when we peoples come to here to feel the tranquility and serenity, to have a lots of in their tremendous performance, so people are enjoying this lovely ambiance. And do not go anywhere, that's not the end, just beginning. After this plenty more to become parkour competition in this temple, and you can enjoy this beautiful ambiance
with lots of mesmerizing and tremendous performance. Good. अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ऐसा ही कि मणिठणी के बारे में हिंदी में आप जो है ना एंकरिंग करके बताइए. मणिठणी देखा है ना पेंटिंग आपने? जी सर. हाँ उसके बारे में दो या तीन मिनट में आप जो है ना एंकरिंग करके बताइए कि ये मणिठणी कैसी होती है, कैसी सुंदर लगती है. सर एक्चुअली मैं सर एंकरिंग में स्पेशली इंग्लिश में करता हूँ. अच्छा इंग्लिश में ही करते हैं सारी? जी सर. एक्चुअली क्या होता है कि अभी आजकल बहुत सारे प्रोग्राम जो है ना वो हिंदी में भी चल रहे हैं और उसमें एंकरिंग में बहुत मतलब बहुत अच्छा पैसा मिलता है. एक एक प्रोग्राम का कई कई लाख रुपीस देते हैं वो लोग एक एक प्रोग्राम का. तो वो हिंदी में भी करते हैं इंग्लिश में भी करते हैं. लेकिन अच्छा है, इट्स गुड कि आप जो है वो मुझे तो अच्छा लगा था कि आपका एंकरिंग का देख कर ही मैंने ज्यादातर मैंने तो ये सोचा था कि आपको क्यों नहीं आपको इसके लिए ही प्रोत्साहित किया जाए कि आप जो है आरएस में तो हमने देख लिया पूरी जिंदगी भर करके जो मैं कुछ भी जो है मतलब वो नहीं मिलने वाला है. कितने प्रेशर कितने ट्रांसफर कितना डिस्टर्बेंस होता है आज के जमाने में. मतलब ये कला या जो है इस तरह की जो है एक्टिविटीज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस जो है मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. एनी हाउ चलो आपको जैसलमेर के बारे में एक क्वेश्चन के बारे से पहले एक दो क्वेश्चन और जो है आपके हॉबी से रिलेटेड मैंने बनाए थे. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है ये? सॉरी सर. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको ध्यान है कि कहाँ पर है ये? सॉरी सर मुझे इसकी जानकारी नहीं. चलो मैं इसका साथ में जवाब दे देता हूँ. ये दिल्ली में है, नई दिल्ली में है. जी सर. अच्छा चलिए आप आरएस बनकर आप क्या करना चाहेंगे खासतौर से? सर ये डिपेंड होता है कि मेरी पोस्टिंग कहाँ पे होती है. अगर मुझे मौका वेस्टर्न राजस्थान में मिलता है तो वहाँ की सबसे बड़ी जियोग्राफिकल प्रॉब्लम उसमें सर सबसे बड़ी पेयजल की प्रॉब्लम है. तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी जो कंपेन है जैसे सर जल शक्ति मिशन है, अटल भूजल योजना है और वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी है, इनका सर मैं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा. उसके साथ वहाँ पर सर सामाजिक समस्या में देखा जाए तो सर उधर की महिला साक्षरता दर बहुत कम है. तो उसमें सर मैं जितनी भी राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज है और न्यू पॉलिसी है इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके वहाँ की साक्षरता दर को बढ़ाने का प्रयास करूंगा. उसके साथ सर तीसरी मेरी ये रहेगी कि वहाँ पे जैसे सर अभी भी कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे सर अभी भी वहाँ पे पर्दा प्रथा है, उसको सर कहीं ना कहीं हमें बंद करना चाहिए. और वहाँ पे सर मृत्यु बोध भी एक बड़ी समस्या है, जो मृत्यु बोध निषेध अधिनियम 1960 उसके तहत सर उसका प्रॉपर रेस्ट्रिक्ट ड्रेकोनियन एक्शन के साथ उसको सर हमें प्रिवेंट करना चाहिए. तो इस प्रकार सर मेरी होगी. चलिए तो जैसलमेर कुछ जो है पेंटिंग्स बनती है जैसलमेर की अपनी उसकी उसके बारे में सुना है आपने? जी सर. वहाँ पे सर मुमल और महेंद्र है ना उनकी से पेंटिंग फेमस है. और वहाँ पर इस पर भी बनती है क्या आपके कैमल के जो है वो बॉन्ड पर भी? जी सर कैमल की भी बनती है और इसके साथ सर वहाँ पे एक मिरर वर्क भी पेंटिंग है जिसमें सर मिरर वर्क में जो कांच की छोटे छोटे वहाँ पे ब्रिक्स में उनको सर कपड़े के साथ अटैच किया जाता है. गुड. तो आपने तो बहुत सारी एंकरिंग जो बाहर वेस्टर्न कंट्री के जो टूरिस्ट आते होंगे उनके लिए आपने एंकरिंग की होगी, उनको थोड़ा सा जाना वो भी किया होगा कभी कभी? सर मुझे एक बार जो कैमल फेस्टिवल जो बीकानेर में है वहाँ पे सर इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल है सर वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मेरे गुरुजी के साथ, तो उनके साथ मैंने वहाँ पे एंकरिंग की थी. अच्छा वेरी गुड. तो आप मुझे तो यार आपकी प्रोफाइल जो है ना ये ज्यादा अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों इसके बारे में आप सोच रहे हो. आई डोंट नो मतलब वो मुझे उस लड़के का देख कर की मतलब वो पढ़ा हुआ लिखा नहीं है सवाई भाट, और आज उसकी इम्पोर्टेंस मैंने तो भगवान को धन्यवाद दिया कि इस बच्चे को कितनी आपने जो है कभी कभी बच्चे को कितना ऊंचा उठा लेते हैं. मैं डिस्कशन में अदर जो है उसमें करने लग गया आपसे वो आपकी हॉबी देखकर. एनी हाउ चलो एक दो क्वेश्चन आपको. जैसलमेर में पानी की सप्लाई का अभी इन्होंने क्या जो है प्रोग्राम वहां पर जो है वो पिछले जो है उधर आपके जो टेम्पल है ना वो मंदिर का देवी देवी का मंदिर? जी सर तनोट माता का मंदिर. तनोट माता का मंदिर. तनोट माता के मंदिर के बारे में जो है ना आप क्या जानते हो? सर तनोट माता का मंदिर सर जैसलमेर जिले से
90 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम स्थित है, और यहाँ पे कहा जाता है कि जो 1965 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध लड़ा गया था, जहाँ पे पाकिस्तान के सेना के द्वारा जो बम गिराए गए थे वो सिर्फ फूटे नहीं थे, इसलिए इसे वैष्णो की थार की वैष्णो देवी कहा जाता है और रुमाल की देवी कहा जाता है, और ये सर यहाँ पे BSF है जो पूजा करते हैं इस मंदिर में। वहाँ की BSF की वो जो टुकड़िया भी रहती है क्या वहाँ पर कुछ? जी सर। पानी कहाँ से सप्लाई होता है वहाँ पर? सर विशेषकर जो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है उसके थ्रू सर दो वहाँ पे इसकी जो लिफ्ट है, एक सर उप शाखा है, जैसे एक सर तो शहीद गोपाल और एक शहीद बिरबल है, उसके थ्रू होती है सर। लेकिन ये बीच का एरिया जो आपके जैसलमेर से तनोट माता के बीच में बहुत सारा डेजर्ट पूरा भरा पड़ा है, उसमें पानी की तो कहीं भी जो है ना सप्लाई नहीं अभी? सर वहाँ पे सर जो खड़ीन है तो खड़ीन झील है उनके थ्रू सर सप्लाई होती है, और फिर वहाँ पे सर जैसे बावड़िया भी है, कुछ कुएं हैं और सर कुछ एक सर मुझे पर्टिकुलर नाम नहीं आ रहा है सर, टोबा एक वो भी एक प्राकृतिक जो परंपरागत जल स्रोत है। ये जैसलमेर का किला किसने बनवाया था? हेलो सॉरी सर। जी सर, जैसलमेर का किला सर, जैसलमेर का किला सर राव जैसल के द्वारा 12 जुलाई 1156 में बनाया गया था, और ये एकमात्र किला है जिसमें 99 बुर्ज है, और ये सर यूनेस्को द्वारा कल्चर हेरिटेज साइट भी है, और इसमें सर इसकी जो छत है वो सर लकड़ी की बनी हुई है, और सर ये एक राजस्थान का रणथंभौर के बाद सर दूसरा लिविंग फोर्ट है। अच्छा एक वो जो है ना इसको क्या कहते हैं, क्या क्वेश्चन मुझे याद आ रहा था अभी यार, मैं स्लिप हो गया मेरे माइंड से। जैसलमेर में जो ना ये जो वो लंगा और ये यहीं के सारे लोग जो काम देते हैं लंगा और मंगनियार, हाँ ये खासतौर से कहाँ के रहने वाले हैं लोग? सर जो मंगनियार है वो सर तो जैसलमेर से पश्चिमी गांव बढ़ते भैया वहाँ के रहने वाले जो सर विशेषकर माने जाते हैं, उनके ओरिजिन सिंध प्रांत से माने जाते हैं जो पाकिस्तान में है, और सर जो ये मंगनियार है तो लंगा है वो सर एक बाड़मेर में गांव है, सर अभी मुझे उस गांव का नाम नहीं आ रहा है, बड़ावत सर गांव है, वहां से सर उनकी ओरिजिन मानी जाती है। चलिए तो मुझे अच्छा लगा आपका, मैं ऑलमोस्ट जन आपके सारे जवाब सही थे, और मुझे तो आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं आपके RS के लिए तो बेस्ट विशेस दे ही रहा हूँ, लेकिन मैं ये कल्पना करता हूँ कि आपके जो ना मेरा आर्ट में मेरा बहुत सारा इंटरेस्ट है, और एक दफा क्या हुआ राणा प्रोग्राम में वहाँ पर अमेरिका में मैं जो ना हम लोग गए थे, तो वहाँ वो आए थे लोग, तो वहाँ ये आई थी क्या कहते हैं मैडम वसुंधरा जी, तो राणा प्रोग्राम में जो है वो अमेरिकन का इंडियन अमेरिकन का राजस्थानी अमेरिकन का वो प्रोग्राम होता है वहाँ पर 4 साल में एक दफा, तो ये प्रोग्राम में यहाँ के इंडियंस का बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे वहाँ, तब मुझे जो लगा कि हमारी कल्चर कितनी समृद्ध है। आप तो इसमें जबरदस्ती एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भाग रहे हो, आपके पास बहुत सारे स्कोप है, आई विश फॉर द RS, लेकिन आप इसके लिए बाद में सोच। सर मैंने सर इसको भी एक एज ए प्रोफेशनल किया था, मैंने मतलब अच्छे मतलब मैंने मनी भी मैं किया था, लेकिन उसके बाद मुझे सर सिविल सर्विस में आना था, तो सर मैंने कैमल फेस्टिवल और डेजर्ट फेस्टिवल, इट्स योर आउटलुक, ये तो आपको सोचना है, लेकिन मुझे तो ये आर्ट का काम और ये इसका कल्चर का काम बहुत अच्छा लगा। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक, चलो है ना। थैंक यू सो मच सर। जी राजेश सर। गुड इवनिंग सर। जी कमल जी, सुन पा रहे हैं आप? जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जैसलमेर से हैं आप? जी सर। तो अभी मैं आपका बायोडेटा देख रहा था, उसमें आपने सर्विस प्रेफरेंस में पहले नंबर पे SDM शब्द लिखा है, तो मान लीजिए आपको RS प्रॉपर RS बनाया जाता है, तो पहला पद आपका SDM ही होगा? सर मैंने आई थिंक उस टाइम मुझे RS लिखना था। जी RS लिखना था आपको, वही मैं देख रहा था, SDM लिखा आपने सर, उस समय हो सकता है कि मैंने गलत लिखा हो। एक पद है। जी जी सर। जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट सेलेक्ट होती है SDM बनाया जाए RS से। जी सर, ये मेरी गलती है सर। जी, तो मैं थोड़ा सा, आपने अपना जो मेन बायोडेटा था उसमें तो सही लिखा है ना?
नहीं सर, उसमें सर आरएससी है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बहुत बहुत चलिए, मुझे ये बताइए ओपरा विनफ्रे कौन है? सॉरी सर, ओपरा विनफ्रे? सर मेरा नाम सुना हुआ है लेकिन मुझे इसके बारे में अभी सर जान मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कि। अच्छा, ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध एंकर्स में एक जी है। जी सर, आई थिंक आप मांगी बाई के बारे में बात कर रहे हो जहां तक मैं जानकारी। मैं एंकर के बारे में बात कर रहा हूँ, आपने एंकरिंग हॉबी लिखी है अपनी। जी सर, तो ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध एंकर हैं ओपरा विनफ्रे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, इनका नाम याद रखें, आप पूछा जा सकता है। एक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अभी? जी सर। तो आज के न्यूज़पेपर में एक समझौते के बारे में लिखा है, एयर बबल समझौता। जी सर, क्या होता है ये? सर ये एयर बबल समझौता जो सर भारत और श्रीलंका के मध्य किया गया है, और सर और ये किस इसमें जो जितने भी उड़ान हो, जो मतलब वायु उड़ाने होगी उसमें सर मुझे लग रहा है प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। अच्छा, तो मैंने इसको सर इसको मैंने प्रॉपरली पढ़ा नहीं थी, आर्टिकल था लेकिन सर मैं इसको प्रॉपरली पढ़ नहीं पाया। प्रतिबंध कम होंगे इसमें। अच्छा, अभी एक दो दिन में पहले और न्यूज थी, जामताड़ा बना मेवात। मेवात अलवर जिले से रिलेटेड कोई न्यूज आई थी। सॉरी सर, मैंने अभी साइबर क्राइम को लेकर, सॉरी मैं अभी सर राजस्थान पत्रिका और कम पढ़ता हूँ, दैनिक जागरण ज्यादा पढ़ता हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हमारे जो पीएम है उन्होंने जब संबोधित किया था मुख्यमंत्रियों को, और जो लॉकडाउन से रिलेटेड या ऐसी कोई कोरोना की जो स्थिति है उसको लेकर, तो उसमें उन्होंने एक शब्द यूज किया था, प्रशासनिक अक्षमता। क्या होती है ये प्रशासनिक अक्षमता, क्या होती है? सॉरी सर, मुझे नहीं जानकारी, समझ आता हूँ। नहीं, आप सिंपल भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने कहीं सुना हो पढ़ा हो। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। नील जी माइक ऑफ करें। सॉरी सर। जी कमल जी। सर इसको मुझे आप इंग्लिश में बता सकते हो अगर? प्रशासनिक अक्षमता, इसमें देखिए कोरोना को लेकर कुछ अभी जो इसकी प्रश्न क्या बोलते हैं कार्यशैली है प्रशासनिक अधिकारियों की, उसको लेकर कुछ टिप्पणी की थी ना सर। जहां तक अगर मैं अपनी जान मतलब कयास लगा पा रहा हूँ कि इसमें ये कहा गया है जो कोरोना उसका जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना पड़ेगा, और जिसमें जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको सर जो कंटेनमेंट बनाए गए हैं और जो भी गाइडलाइंस है उनका लोगों से प्रॉपरली फॉलो करवाया जाए। तो ये सर, चलिए वैक्सीन को लेकर कुछ था, मैं थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ आपको। वैक्सीन को लेकर के वैक्सीन की जो बर्बादी है वो हो रही है एक तो, और दूसरा के जो रिपोर्ट्स हैं जी सर, कोरोना जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं उनको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और आंकड़े छुपाने के लिए, ठीक है जी सर, बारे में टिप्पणी की थी उन्होंने। एक अभी और न्यूज थी, पॉलिटिकल क्वारंटाइन। जी सर, पॉलिटिकल क्वारंटाइन क्या होता है? सर पॉलिटिकल क्वारंटाइन वो होता है जिसमें सर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो सर अपने जो पॉलिटिशियन होते हैं उनकी सर बाड़ाबंदी की जाती है, जैसे सर वर्तमान में राजस्थान में ये सब चीजें। अच्छा, अभी एक राज्य के जो नेता है या जनप्रतिनिधि है उनको राजस्थान में एक तरह से क्वारंटाइन किया जा रहा है, आप बता सकते हैं उस स्टेट का नाम? सर वेस्ट बंगाल के है जो? नहीं, वेस्ट बंगाल के नहीं, असम के हैं। सॉरी असम के। जी सर, न्यूज आई थी, आप जी सर आपने 12th के बाद इतिहास और हिंदी साहित्य विषय हटा दिया, इसके पीछे क्या कारण है? सर मेरी मतलब विशेष रुचि सर पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी थी, उसके बाद सर मेरे इंग्लिश इंप्रूवमेंट करनी थी, मुझे इंग्लिश लिटरेचर लेनी थी। अच्छा,
एंकरिंग किस टाइप की करते हैं आप? किसी भी तरह की कर सकते हैं जी सर? मैंने इसमें मतलब पूरी प्रशासन में क्या यूज लेंगे आप एंकरिंग? सर एंकरिंग प्रशासन ये ले पाऊंगा कि मैं अगर मेरे पास सिंपल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो सर मैं प्रॉपरली लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा उनकी जो मेरी बात है उनके, तो मैं प्रॉपरली एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से पहुंच पाऊंगा। और दूसरी सर ये है कि अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन होती है तो सर आप प्रशासन में जो लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन होता है वो प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर सकते हो। और सर तीसरा ये हो सकता है कि जब भी कभी अगर मैं एंकरिंग करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें सर मुझे बहुत सारी नई नई चीजें और नए एक्सपीरियंस मिलते हैं जिसका मैं प्रॉपरली अपने पर्सनल लाइफ में और ऑफिशियल लाइफ में सर उसका यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा, आप मुझे बताइए कि जैसलमेर की अभी वर्तमान में क्या समस्या है? सर जैसलमेर की अगर समस्या की बात करें तो सर मैं प्रमुख तीन समस्याएं बताऊंगा। सर जियोग्राफिकल प्रॉब्लम देखा जाए सर वहाँ डेजर्टिफिकेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और दूसरी जियोग्राफिकल प्रॉब्लम ये है कि सर वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट प्रॉब्लम है और पानी वाटर क्राइसिस है, और सर तीसरी इकोनॉमिक देखा जाए तो वहाँ से सर अभी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ इसलिए लोग बेरोजगार है उनको पलायन करना पड़ता है, और वहाँ पे सर पॉवर्टी ज्यादा है अपेक्षाकृत दूसरे जिलों की। और सर अगर सोशल में देखा जाए तो सर वहाँ पे वीमेन लिटरेसी कम है अभी वर्तमान में 39% है, और उसके बाद सर वहाँ पे मृत्यु बहुत समस्या है और बाल विवाह की समस्या है और घूंघट प्रथा भी सर वहाँ अभी भी प्रचलित है। ठीक है, आप देखिए मैं इतना ही आपसे समस्याएं जान रहा हूँ तो आपके पास समाधान भी होने चाहिए होंगे। जी सर हो सकता है आपसे ये समाधान भी पूछे जाए, मैंने सिर्फ समस्याएं पूछी है आपसे। अब थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। देखिए मैंने आपसे पूछा SDM, आपने थोड़ा बताया कि सर गलती से लिख दिया मैंने, बहुत आप थोड़ा विचार करके लिखें, ठीक है चलिए ऐसी गलती बायोडेटा में आप कर देते तो वहाँ एक प्रश्न बन सकता था, ठीक है जी सर बिल्कुल। तो बाकी देखिए जो सिंपल से क्वेश्चन थे जैसे जामताड़ा क्या है, जामताड़ा देखिए झारखंड में एक जगह है जहाँ पर साइबर क्राइम्स के लिए जो गिरोह है वो सक्रिय रहता है। जी सर मुझे याद आ गया। और उसी प्रकार अभी अलवर जिले में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है, जो ये जो क्या बोलते हैं कॉल सेंटर हैं इस प्रकार से ठगी का गिरोह चला रहे हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है राजस्थान में, इसलिए ये न्यूज आई थी जामताड़ा बना मेवात। और देखिए एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था एयर बबल समझौता, बिल्कुल आपको अच्छी जानकारी है इसके बारे में, बिल्कुल भारत और श्रीलंका के बीच में जो वायु समझौता वायु सेवा है उसको लेकर था ये बिल्कुल। और बाकी देखिए आप जैसे फतेहगढ़ से हैं तो फतेह सिंह जी के बारे में जानकारी रखें। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि जैसे जैसलमेर के शासकों को महारावल कहा जाता था, उसी प्रकार एक और रियासत थी जहाँ के शासक भी महारावल कहलाते थे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये प्रश्न भी। और जयपुर में है अभी आप वर्तमान में, तो वहां से संबंधित जो क्षेत्रीय जानकारी है वो भी रखें। बाकी कोई खास ऐसे प्रश्न थे नहीं, सिंपल से क्वेश्चन थे जिनका आपने अच्छा आंसर दिया। थोड़ा सा आप चेहरे पे आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़े से थके थके से लग रहे हैं सर, हो सकता है। एक आपसे प्रश्न किया था मैंने पॉलिटिकल क्वारंटाइन, बहुत अच्छा आपने शुरू में गलत उत्तर दिया था, बाद में सुधार कर लिया था इसमें, असम के जो जनप्रतिनिधि है उनको यहाँ पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। एक जैसलमेर की समस्याएं पूछी थी तो मैंने बताई दिया आपसे कि समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी आपके पास होना चाहिए, कैसे आप उनका समाधान करेंगे। जी ठीक है, तो ये कुछ सुझाव हैं मेरे, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। जी कमल जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नए चुनाव आयुक्त किसको घोषित किया गया? सॉरी सर एक बार रिपीट करोगे आप? नए चुनाव आयुक्त सर सुनील अरोड़ा जी को वापस किया गया है। सुनील अरोड़ा पुनः? जी सर। कंफर्म करना, चेक करना आप इसको। अच्छा एक समझौता हुआ है, इसका नाम है एयर बबल समझौता। जी सर। ये क्या है सर? ये श्रीलंका और भारत के मध्य किया गया है, जिसमें सर ये कहा गया है जो वायुयान उड़ाने होगी जो नेवी के बीच में, सर उसमें
प्रोटोकॉल जो भी और गाइडलाइंस होगा प्रॉपरली स्ट्रिक्ट नेट्स के साथ सर फॉलो किया जाएगा, ताकि सर उनके बीच में जो COVID-19 के केसेस वो ट्रांसमिशन ना हो। ओके, कितने देशों के साथ ये समझौता भारत कर चुका है? सर मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। ओके अच्छा, एक अभी न्यूज थी कि चलो आपसे पूछ लेते हैं, कोरोना काल में बैंकों में डिपॉजिट्स बढ़े हैं या घटे हैं? सर बैंकों में बढ़े हैं सर। कितने? सर पर्टिकुलर सर जैसे सर SBI के आई थिंक अप्रोक्सीमेट 10। ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा है ओवरऑल? ओवरऑल सर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर 26। आपसे एक नैनोस्फीयर माइक्रो सेंसर, ये चर्चा में अभी, नैनोस्फीयर माइक्रो सेंसर, सॉरी सर इसकी मुझे जानकारी नहीं। ओके अच्छा, एक पेंशन सेक्टर में अभी FDI को बढ़ाया जा रहा है। सॉरी सर, पेंशन सेक्टर, पेंशन होता ना पेंशन? जी 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 सर। उसमें FDI को बढ़ाया जा रहा है, तो FDI होता क्या है? सर FDI एक इकोनॉमिक टर्म है जिसके अंतर्गत विदेशी कंपनी जो होती है वो किसी देश में अपने ऑर्गेनाइजेशन या कोई अपना सेटअप एस्टेब्लिश करके वहां पे उनको 10% भागीदारी मैनेजमेंट में दी जाती है, तो सर उसको सर FDI कहते हैं। ऐसा कुछ परसेंटेज तय है क्या? सॉरी सर, ऐसा कोई प्रतिशत फिक्स है पहले से? सर 10% होता है सर, उनको सर परमानेंट लीडरशिप दी जाती है। ओके ओके अच्छा, एक क्राइस्ट रिडीमर, ये आज के अखबार में चर्चा में रहे, क्राइस्ट रिडीमर। सॉरी सर, आज मैंने जो लोकल न्यूज़पेपर में वो पढ़े नहीं थे। ओके ओके अच्छा, ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन क्या है? सर ये सर US अमेरिका से रिलेटेड मुझे सर अभी जानकारी नहीं सर, आज ही। करंट तैयार करो कमल जी, करंट तो कई बार ज्यादा पूछ लिया जाता है, कई बार कम पूछा जाता है, पर हमारा प्रिपेयर होना चाहिए। देखें जो अमेरिकी नौसेना का ये अभियान है जिसमें अमेरिकी जहाज भारत के रिव्यू में बता रहा हूँ, मैं आपको रिव्यू कर रहे हैं, भारतीय जो EZ जो हमारी सीमा है, इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन EZ, इससे ये जहाज निकला है, तो भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है कि आप हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र से नहीं निकले। और एक मैंने आपसे पूछा है कि भारत श्रीलंका के मध्य बबल समझौता, आपने राइट आंसर दिया, ये भारत 28 देशों के साथ कर चुका है, कोरोना काल में भी भारतीय यात्री इन 28 देशों में जा सकेंगे। जी सर। भाई तो सुशील चंद्रा है, सुनील कुमार रिटायर हुए, सुशील चंद्रा का नाम ध्यान रखें। और जी सर। अभी जो डिपॉजिट्स बढ़े हैं वो 11% बढ़े हैं ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में, जो जमाएं बढ़े 11% है, और ये जो नैनोस्फीयर माइक्रो सेंसर है ये स्वदेशी एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है, मतलब कहीं तो उसकी जांच पता लगा लेता है ये 10 सेकंड के अंदर अंदर। जी सर। इसका जो लॉन्चिंग है वो किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री है। जी सर। लॉन्च किया है। पेंशन सेक्टर में देखें, FDI से विदेशी मुद्रा भारत आती है, ये 10% वाला कोई रूल नहीं है जो आप बता रहे हो, विदेशी मुद्रा को भारत में इन्वेस्ट किया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सीमाएं हैं, तो FDI में अब तक 50% था, उसको बढ़ाकर अब 49% था, उसको बढ़ाकर अब 74% किया जा सकता है। और थैंक यू सर। जो क्राइस्ट रिडीमर है ये एक मूर्ति है जो ब्राजील में लगी हुई है, इसको 7 अजूबों में शामिल किया गया है। थैंक यू सो मच सर। ये इससे रिलेटेड पढ़ना, आप न्यूज पेपर पूरा पढ़े डिटेल में तो पूरी सूचना आपको मिलेगी। थोड़ा करंट वीक है, क्या डेट है इंटरव्यू की? 27 अप्रैल। ठीक है, टाइम है आपके पास, बढ़िया तैयारी करी 10-12 दिन में। अभी तो अभी सर मेरा मेन टारगेट है, सॉरी थ्योरेटिकल पोर्शन उसको कंप्लीट कर देता हूं, फिर मैं करंट अपडेट पे आऊंगा। नहीं, हाफ टाइम दीजिए रोज करंट को। अच्छा अच्छा ज्यादा थोड़ी पड़ी
आधा थ्योरी और आधा करंट पढ़िए, क्योंकि करंट नहीं है, जितना बढ़िया तैयार करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।